दोस्तों आज से लगभग 65 मिलियन यानी 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक एस्ट्रॉइड टकराने के कारण काफ़ी बड़ी विस्फोट होती है और इस विस्फोट से पृथ्वी पर फैले प्रलय में डायनासोरस सहित पृथ्वी के लगभग 90% जीव का विनाश हो जाता है। लेकिन इस विनाश में बचे बाकी 10% जीव पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करते हैं, जिसमें प्राइमेट्स, रोडेंट्स, लेगोमॉर्फस जैसे कई सारे मैमल्स शामिल हैं। शुरुआत में ये मैमल्स गुफाओं और जमीन के अंदर तक ही अपने आप को सीमित रखे हुए थे, लेकिन विनाश के हजारों वर्षों बाद तक हुए इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण पृथ्वी पर कई सारे प्लांट्स और जीवों की उत्पत्ति शुरू हुई, जिससे इन मैमल्स को भी एक नया जीवन मिला। इन्हीं मैमल्स में से प्राइमेट्स, जिसमें लैमरस, लॉरिसेस, मंकीज, एप्स जैसे 300 से ज्यादा स्पीसीज शामिल थे, ये प्राइमेट्स दो ग्रुप में विभाजित हो गए। पहला वेट नोस्ड प्राइमेट्स, जिसे हम स्ट्रेप्सिरहाइनस के नाम से जानते हैं, इससे मॉडर्न लैमरस, लॉरिसस जैसे कई सारे जीव का विकास हुआ। वहीं दूसरा ड्राई नोस्ड प्राइमेट्स, जिसे हम हैप्लोरहाइनस के नाम से जानते हैं, इसी हैप्लोरहाइनस से आज के मॉडर्न मंकीज और एप्स जैसे जीवों का विकास होता है। गिबन्स एप्स की पहली प्रजाति में से होती है, लेकिन ये बोनोबोस, चिंपैंजी, गोरिल्ला जैसे ग्रेट एप्स के कंपेयर में छोटे होते हैं। ये सभी जीव कोई और नहीं बल्कि आज के आधुनिक मानव के शुरुआती पूर्वजों में से हैं। इन्हीं ग्रेट एप्स से ह्यूमन फैमिली के शुरुआती मेंबर एस्ट्रलोपिथेकस का विकास हुआ। शुरुआती दौर में जंगल और पेड़ ही इनका घर हुआ करता था, क्योंकि इन्हें यहाँ भोजन और आवास दोनों की सुविधा मिल रही थी, लेकिन इनके बढ़ते आबादी और इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण इन्हें फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, जिस कारण ये जीव इधर उधर भटकना तथा नए भोजन की तलाश करना शुरू कर देते हैं। इससे इनके बॉडी में नई इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, जिससे इनका जबड़ा मजबूत हो जाता है और साथ ही साथ इनकी बुद्धि भी ज्यादा शार्प हो जाती है। अब ये जीव अपने मजबूत जबड़े के कारण मांस और नट्स जैसे ग्रेन्स को आसानी से खा सकते थे। करीब 25 लाख साल पहले होमो हैबिलिस का विकास होता है। इसका ब्रेन पावर 500 से 700 cc तक का था। होमो हैबिलिस द्वारा पत्थरों से टूल्स बनाने की कला सीख ली जाती है, अर्थात ये मानव जीवन के इवोल्यूशन में मुख्य रूप से टूल्स मेकर की भूमिका अदा करते हैं। पत्थरों से टूल्स बनाने के इस शुरुआती दौर को हम ओल्ड स्टोन एज या पेलियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड करीब 10,000 BC तक का है। इन्हीं होमो हैबिलिस से लगभग 19 लाख साल पहले होमो इरेक्टस की उत्पत्ति हुई। ये आदि मानव पूरी तरह सीधे चल सकने में सक्षम थे, साथ ही इनका ब्रेन साइज 800 से 1200 cc यानी होमो हैबिलिस के ब्रेन साइज से लगभग दोगुना था। इनके द्वारा स्टोन्स से नए नए टूल्स तथा पत्थर से आग जलाने का आविष्कार किया गया और धीरे धीरे ये लोग आग पर काबू पाना भी सीख लेते हैं। स्टोन्स से टूल्स और आग का इनोवेशन इन हंटर आदि मानवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अब मानव आसानी से शिकार कर सकते थे, साथ ही आग की मदद से ये अब पके हुए भोजन को खाना शुरू करते हैं, जिससे भोजन चबाने और पचाने में आसानी हुई और ऊर्जा का बचत हुआ। साथ ही ये जानवरों के खाल को पहनना शुरू कर देते हैं। पर अभी भी इनका जीवन इतना आसान नहीं था। इस वक्त दुनिया आइस एज के दौर से गुजर रही होती है, जिससे जंगल और पेड़ पौधों का विनाश हो गया था और कुछ बचे हुए पेड़ पौधे बर्फ से लदे हुए थे। अपने आप को जीवित रखने हेतु ये आदि मानव शिकार की तलाश में पहली बार अफ्रीका से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्से में फैल गए। लगभग 2 लाख साल पहले होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस का इवोल्यूशन हुआ। इसका ब्रेन साइज 1200 से 1800 cc तक का था। इसे ही द वाइज मैन कहा गया और आज के आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस सेपियंस का विकास लगभग 1.5 लाख साल पहले हुआ था। इनका ब्रेन साइज 2000 cc तक का है। होमो सेपियंस सेपियंस यानी आज के आधुनिक मानव ने न सिर्फ पत्थरों से ज़्यादा शार्प और नए आधुनिक टूल्स का निर्माण सीखा, बल्कि हड्डियों से भी कई सारे टूल्स का निर्माण और इस्तेमाल करना इनके द्वारा शुरू किया गया। साथ ही इन आदि मानवों द्वारा चित्रकला के माध्यम से नॉलेज को एक दूसरे तक पहुंचाने का या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचाने की प्रक्रिया को भी शुरू किया गया। लगभग 50,000 साल पहले मानव के जीवन में भाषाओं का आगमन होता है, जिससे धीरे धीरे मानव ने कई अलग अलग भाषाओं का विकास किया। लेकिन अब भी हम अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से हंटिंग और गैदरिंग पर ही डिपेंडेंट थे। लगभग 10,000 BC यानी मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक पीरियड के शुरुआत में पृथ्वी के वातावरण में टेम्परेचर की वृद्धि होती है और आइस एज का अंत होता है, जिससे पृथ्वी पर नए नए वनस्पति और घास वाले मैदान के साथ साथ कई नए प्राणियों का भी आगमन हुआ। अब पृथ्वी का वातावरण हमारे लिए काफी अनुकूल बन जाता है। इससे अब हम हंटिंग और फूड गैदरिंग के साथ साथ
फिशिंग और कैटल डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर देते हैं। हमने सबसे पहले कुत्तों को अपना पालतू जानवर बनाया, साथ ही अब हम फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर की ओर बढ़ रहे थे। लगभग 8000 से 6000 बीसी पूर्व यानी नियोलिथिक पीरियड या न्यू स्टोन एज में हमने अपने पास खाने के लिए इकट्ठे किए गए बीजों से खेती की शुरुआत की और हमने सबसे पहले वीट की खेती की। फिर बीतते वक्त के साथ हमने एग्रीकल्चर के अलग अलग पैटर्न को सीखा और समझा। चूंकि अब हम हंटिंग और फूड गैदरिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग यानी पशुपालन की ओर बढ़ते गए, इस कारण हम मानव अब अपना अस्थाई आशिया बनाना शुरू करते हैं, जिससे आगे चलकर समाज, व्यवसाय और सभ्यताओं का विकास हुआ। तो दोस्तों, 6.5 करोड़ साल से लेकर 4000 BC तक के मानव इतिहास को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जितना मानवों ने करोड़ों साल में विकास नहीं किया, उससे कहीं अधिक विकास हम मानवों ने महज कुछ हजार वर्षों में कर लिया है, जिसे हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। थैंक यू।